चिंकी, तुम्हें पता है हमारे रूम में इनविजिबल कॉकरोचेज हैं, जो कि सिर्फ फोन के कैमरे में दिखाई देते हैं। गट्टू, कुछ भी मत बोलो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। ये देखो, तुम्हें भरोसा हो जाएगा। मम्मी, मम्मी, ये देखो, हमारे घर में कॉकरोच है। कहाँ है कॉकरोच? अरे चिंकी, डरो मत, ये तो 3D बेयर ऐप है, रियल कॉकरोच नहीं है। गट्टू तो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा है। गट्टू चिंकी ने इंसेक्ट्स के साथ फोटो ली और शेयर करके पाए ढेर सारे लाइक्स। तो बस प्ले स्टोर में जाओ, 3D बेयर ऐप को डाउनलोड करो और अपना AR वर्ल्ड क्रिएट करो। पेरेंट्स के बाद बच्चे अपना काफी समय स्कूल में टीचर्स के साथ बिताते हैं। टीचर्स भी बच्चों के साथ इतना घुल मिल जाते हैं कि बच्चों की शैतानियाँ और उनकी जिद भी उन्हें लुभावनी लगती है। गट्टू और चिंकी स्कूल के ग्राउंड पर सभी दोस्तों के साथ टीचर्स डे की प्लानिंग कर रहे थे। इस साल मैं भी टीचर बनूंगा और मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैं भी पढ़ाऊंगी, मुझे भी टीचर बनना है। मैं तो टीचर नहीं बनूंगा, मुझे डर लगता है। भूषण, तुम अपने PT टीचर का सब्जेक्ट पढ़ाना, हमें तो बहुत मजा आएगा। बंटी के इस बात पर सभी लोग हंस पड़े, क्योंकि स्कूल के PT टीचर शर्मा सर काफी स्ट्रिक्ट है और हर कोई उनसे डरता है। कल मैं मम्मी की साड़ी पहनूंगी। चिंकी, तुम भी साड़ी पहनना। हाँ पिंकी, बहुत मजा आएगा, मम्मी की सबसे अच्छी साड़ी सिलेक्ट करूंगी। तो हम सभी पापा का शर्ट पहन कर आएंगे। सभी बच्चे हंस पड़े। तभी स्कूल की घंटी बजी और स्कूल में आज का दिन खत्म हो गया। गट्टू और चिंकी घर में मम्मी को कल के टीचर्स डे के बारे में बता रहे थे। मम्मी, आपको पता है कल मैं भी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और टीचर बनने के लिए मुझे आपकी साड़ी चाहिए। हाँ हाँ चिंकी, मेरी साड़ी तो जरूर पहनना। और हाँ, टीचर के पहनावे के साथ साथ तुम्हें टीचर की तरह इंटेलिजेंट भी बनना है, ताकि तुम अपने स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स का जवाब दे पाओ। ऐसा है क्या मम्मी? अब तो मुझे डर लग रहा है। इसमें डरना क्या चिंकी, सिर्फ स्टूडेंट्स के सामने खड़े रहकर तुम्हें एक चैप्टर ही तो पढ़ाना है, इसमें डरना क्या? गट्टू, लगता है तुम्हारी अच्छी तैयारी हो गई है टीचर्स डे की। वैसे तुम्हें कल का एक्सपीरियंस आ ही जाएगा, लेकिन शैतानी करने वाले बच्चे हो तो टीचर्स को पढ़ाने में आसानी नहीं होती बेटा। हाँ मम्मी, मैंने पूरी प्रैक्टिस कर ली है और मैं आसानी से पढ़ा सकता हूँ। जरूर बेटा, चलो अब जल्दी से सो जाओ, गुड नाइट। मम्मी की बात मानकर गट्टू चिंकी सोने चले गए। अगले दिन स्कूल में गट्टू और चिंकी और कुछ बच्चे भी टीचर बने। स्कूल में अच्छी सजावट की गई थी। स्कूल के बोर्ड पर स्कूल के कुछ बच्चों ने टीचर्स डे की विशेष लिखी थी। चिंकी ने मम्मी की साड़ी पहनी और दिन की शुरुआत से टीचर की तरह बिहेव करने लगी। गट्टू ने भी टीचर की तरह फॉर्मल ड्रेस पहनी। सभी बच्चे जो जो टीचर्स बने हैं वो अपने अपने चेयर पर बैठे हैं। सबके लिए स्टाफ रूम में नेम प्लेट्स भी बनाई है। अरे वाह, सच? टीचर बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ गट्टू, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मेरा लेक्चर अच्छा होगा ना? क्यों डरती हो चिंकी, मुझे देखना, मैं कितना कॉन्फिडेंस से पढ़ाता हूँ। चलो, सभी बच्चों के पीरियड तय हुए हैं, सभी अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और उस सब्जेक्ट के टीचर खुद तुम्हारे स्टूडेंट बनेंगे। चिंकी अपनी साड़ी संभालते हुए टीचर की जगह जाकर खड़ी हुई। बोर्ड पर जाकर चिंकी ने सब्जेक्ट नेम और पोयम लिखा। वन डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की एक पोयम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं सबकी अटेंडेंस लूंगी। चिंकी ने प्रेजेंटी नोट की और बुक खोलकर पोयम पढ़ने लगी। वन डे आई फाउंड myself एज अ बटरफ्लाई एंड आई लुक लाइक अ सेल्फलेस क्यूटी पाई। वन डे आई फाउंड myself एज अ स्पैरो, I carry a stick with my beak little arrow. One day I found myself as an ant. I am little creature, nobody is faint. इसमें पोइटस ने खुद को बटरफ्लाई, स्पैरो और एंट होने की कल्पना की है। हमें भी बटरफ्लाई की तरह कलरफुल, स्पैरो की तरह हिम्मती और एंट की तरह जिद्दी होना चाहिए। टीचर चिंकी के टीचिंग से खुश हुए। अब गट्टू टीचर की जगह आया और अपना सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स के कुछ सम सॉल्व करेंगे। गट्टू ने बोर्ड पर सब्जेक्ट का नाम और सम लिखा।
6 divide 2 into 5 plus 7 minus 2 is equal to? इसका जवाब कौन बताएगा? एक बच्चे ने हाथ उठाया और आंसर लिखा। नहीं गट्टू सर, ये सही आंसर नहीं है, क्या मैं इसका आंसर लिखूं? गट्टू ने अपना चौक टीचर को दिया। टीचर ने सही आंसर लिखा। वेरी गुड। गट्टू सर, ये आंसर सही और भूषण का आंसर गलत कैसे? टीचर के सवाल से गट्टू सर हड़बड़ा गया। वो इसलिए क्योंकि गट्टू सर मैं बताऊं? हाँ सर प्लीज बताइए ना। यहाँ बोर्ड मार्क्स का मैथ रूल लगा, जिस वजह से हमने पहले डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर एडिशन और आखिर में सब्ट्रैक्ट। ओ अच्छा। टीचर अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। तो आज हमने मैथ्स का रूल सीखा। हमारे टीचर को ही नया मैथ्स रूल सीखने को मिल गया। अब टीचर बने बच्चों को स्पीच देना है और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। मैंने क्लास में हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाया, मुझे स्टूडेंट्स ने काफी सवाल किए और तब पता चला कि टीचर बनना आसान नहीं है। सभी ने पिंकी के लिए तालियां बजाई। चिंकी ने अपना स्पीच देते हुए कहा, पिंकी ने सही कहा, टीचर बनना आसान नहीं है, लेकिन मैं बड़ी होकर टीचर ही बनना चाहती हूँ। टीचर की वजह से ही हम पढ़ और लिख पाते हैं और हम सबको पढ़ा भी सकते हैं। साक्षरता देश के नागरिक का अधिकार है और टीचर इस अधिकार के अहम हिस्सेदार होते हैं। अ गुड टीचर हेल्प्स यू टू बिकम अ गुड पर्सन। थैंक यू। बच्चों ने चिंकी के लिए तालियां बजाई। अब शर्मा सर और बाकी सभी टीचर्स मिलकर टीचर्स डे का प्राइज किसे देना है ये डिसाइड किया। फ्रेंड्स क्या लगता है किसे टीचर्स डे का प्राइज मिलेगा? गट्टू प्राइज उसे मिलेगा जिसने बहुत अच्छा पढ़ाया। गट्टू प्राइज तो चिंकी को ही मिलना चाहिए, उसने अच्छी पोयम सिखाई। अरे गट्टू ने भी अच्छा मैथ्स पढ़ाया और चिंकी ने भी, पिंकी तुमने भी अच्छा पढ़ाया। थैंक यू भूषण और बंटी। तो बच्चों हम सब जानते हैं कि हम अपने महान शिक्षक सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी की याद में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं और हर साल की तरह इस साल भी टीचर्स डे का प्राइज हम देंगे। तुम सभी ने अपने अपने सब्जेक्ट टीचर को भी पढ़ाया, हमें तुम सब पर गर्व है। एक शिक्षक को अपने स्टूडेंट से यही अपेक्षा होती है कि सभी किसी न किसी क्षेत्र में निपुण हो। तो बच्चों इस साल का टीचर्स डे प्राइज मिल रहा है चिंकी को। चिंकी अपना प्राइज लेने सामने आई, सभी ने चिंकी को चीयर किया। सर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, हमें टीचर को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। आज जब मैं टीचर बना तो मुझे समझ आया कि टीचर बनना आसान नहीं है। एक दिन टीचर बनकर मैं एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन टीचर हमें हर रोज हर सब्जेक्ट का जवाब देते हैं और इस टीचर्स डे पर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अच्छे बच्चे की तरह होमवर्क भी करूँगा और टीचर की बात भी सुनूंगा। शाबाश गट्टू। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और आप भी डाउनलोड करो 3D बेयर ऐप और बनाओ अपना खुद का AR वर्ल्ड। अपनी क्रिएटिविटी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और पाइए ढेर सारे लाइक्स। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।